तो व्हाट्सअप पे याद आई एम बैक विद अनदर वीडियो ड्यूट एंड वेलकम है तुम सभी लोगों का टेक इंसेन के इंसेन सॉल्यूशन के एक फर्स्ट न्यू एपिसोड में। ड्यूट इंसेन सॉल्यूशन एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर हम लोगों की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। काफ़ी सारे सैमसंग यूजर्स और दूसरे ब्रांड के एंड्रॉयड यूजर्स ने कमेंट करके बताया है कि उनको कस्टम नोटिफिकेशन सेट करने में प्रॉब्लम हो रही है। जिस तरीके से हम रिंगटोन को डायरेक्टली सेट कर लेते हैं अपने एक्सटर्नल डिवाइस से या फिर इंटरनल डिवाइस से, लेकिन यहाँ पे जो हम नोटिफिकेशन को सेट नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे ऐड नोटिफिकेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। यहाँ पे हमको डिफॉल्ट नोटिफिकेशन से काम चलाना पड़ रहा है जो कि इतनी ज़्यादा खास नहीं होती है। सो ड्यूड, आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि किस तरीके से तुम अपनी मनचाही रिंगटोन को डाउनलोड करके अपनी नोटिफिकेशन पे सेट कर सकते हो। सो अगर तुम लोगों को भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो। तुम सभी लोग देख रहे हो टेक इंसेन। सो ड्यूड, इस सैमसंग के फ़ोन पे हम आ गए साउंड एंड वाइब्रेशन पे। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि नोटिफिकेशन साउंड का ऑप्शन दिख जाता है और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने के बाद या पूरी तरीके से हम ऊपर आने के बाद यहाँ पे कोई भी ऐड नोटिफिकेशन का ऑप्शन नहीं दिखता है। तुम सभी लोग देख सकते हो कि यहाँ पर सभी डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन के साउंड यहाँ पे है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि अपनी एसडी कार्ड से नोटिफिकेशन टोन को सेट करने वाले। तो यहाँ पे सिंपली तुमको क्या करना है कि जहाँ पर भी तुमने नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर रखा है उस फोल्डर में सिंपली चले जाना है। तो यहाँ पे मैं जो है जहाँ पे मेरी नोटिफिकेशन है उस फोल्डर में चले जाता हूँ। जिस तरीके से तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पे दो रिंगटोन्स हैं जो कि मुझे नोटिफिकेशन पे लगानी है, सिंपली मैं इन दोनों को कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमको जाना है इंटरनल स्टोरेज पे। इंटरनल स्टोरेज पे जाने के बाद स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे हमको नोटिफिकेशन का फोल्डर दिख जाएगा। सिंपली इन दोनों को यहाँ पे हमको कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद अब वापस से हमको जाना है सेटिंग्स के अंदर और साउंड्स के अंदर। यहाँ पे सेटिंग्स में जाने के बाद अगर तुम देखो तो जो दो नोटिफिकेशन हमने यहाँ पे कॉपी कर पेस्ट की थी वो हमको ऊपर ही मिल जाएंगी। जिस तरीके से तुम देख पा रहे हो ये दोनों पहले नहीं थी, लेकिन हमने अपने एसडी कार्ड से डाउनलोड कर इन दोनों को नोटिफिकेशन के फोल्डर में कॉपी कर लिया, जिसके बाद अब हम जो है इन नोटिफिकेशन को यूज़ कर सकते हैं। सो ड्यूड, इस तरीके से तुम लोग भी अपने सैमसंग के डिवाइस हो या फिर एसोस के डिवाइस हो, कोई भी दूसरे डिवाइस हो जहाँ पे तुमको कस्टम नोटिफिकेशन का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो इस सिंपल तरीके को यूज़ कर तुम अपनी नोटिफिकेशन को सेट कर सकते हो। सो ड्यूड, आई होप कि ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रही होंगी और तुम्हारी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो गई होंगी। सो ड्यूड, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुमको अगर कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या फ़ोन वगैरह से रिलेटेड कोई दूसरी प्रॉब्लम आ रही है तो तुम कमेंट कर सकते हो, जिसको हम जो है हमारे इंस्टेंट सॉल्यूशन के सेगमेंट में ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप तुम सभी लोगों को वीडियो पसंद आई है। सो वीडियो पसंद आएंगे सूरत में लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड ऐसे इंटरेस्टिंग हेल्पफुल काम की वीडियोज़ के लिए टेक इंसेन को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।